चवन ऋषि कौन थे? चवन ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र थे। उन ऋषि की माँ का नाम पुलोमा था। चवन ऋषि की पत्नी का नाम सुकन्या था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार चवन ऋषि के पुत्र का नाम अनपुवान था। इस महान ऋषि की जीवनी से जुड़ी कहानी अत्यंत ही रोचक है। इनकी माँ पौलमी दानवराज पुलोम की पुत्री थी। महाभारत शांति पर्व के एक अध्याय में वर्णित है कि पौलमी की सगाई पुलोम वंश के ही दंश के साथ निर्धारित थी, लेकिन दानवराज पुलोम ने अपनी पुत्री पौलमी की शादी महर्षि भृगु के साथ कर दिया। इस बात से दंश को बहुत क्रोध हुआ। एक समय की बात है कि महर्षि भृगु आश्रम में नहीं थे। गर्भवती पौलमी अकेली आश्रम में मौजूद थी। इन सभी बातों से अनभिज्ञ दंश ने मौका पाकर पौलमी का हरण की योजना बनाई। वह पौलमी को हरण कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। चूँकि पौलमी उस वक्त गर्भवती थी, फलतः विरोध और विलाप के कारण रास्ते में ही पौलमी का गर्भपात हो गया। पौलमी का नवजात शिशु जमीन पर गिर गया। कहा जाता है कि भूमि पर गिरने के कारण ही शिशु का नाम च्यवन रखा गया, अर्थात च्यवन का अर्थ हुआ गिरा हुआ। यही च्यवन आगे चलकर च्यवन ऋषि के नाम से भारतवर्ष के एक महान आयुर्वेदाचार्य हुए। सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी थी। सुकन्या की कथा बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में शयाति नामक एक राजा थे। अपने न्यायप्रियता और कुशल प्रशासन के कारण जनता के बीच वे अत्यंत ही लोकप्रिय थे। उनके संतान में इसका गहरा असर था। राज्य में चारों तरफ शांति और खुशहाली व्याप्त थी। एक दिन की बात है, राजा सपरिवार वन विहार के लिए अपने राज्य के ही जंगल में निकले। भ्रमण के दौरान जब सभी एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे, उसी क्रम में राजा की पुत्री जिसका नाम सुकन्या था अपनी सहेली के साथ पास स्थित एक टीले को देख घूमने निकल गई। उस टीले के पास पहुंचकर वह बड़ा ही सुखद अनुभव कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक ऐसे अद्भुत टीले पर जा पड़ी जहां से दिव्य प्रकाश की आभा निकल रही थी। कौतूहलवश वह टीले के और पास जाकर देखने लगी। टीले से निकलने वाली दिव्य प्रकाश सुकन्या को विस्मित कर रही थी। उन्होंने उस दिव्य टीले का राज जानने के लिए उद्देश्य से लकड़ी से उसमें कई छेद कर डाले। छेद होते ही उस मिट्टी के टीले में कंपन के साथ खून की धारा बहने लगी। यह देखकर सुकन्या और उसकी सहेली घबरा गई। वह भागे भागे अपने पिता के पास गई और उस घटना से उनको अवगत कराया। राजा शयाति जब टीले के पास पहुँचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह दिव्य टीला वास्तव में महर्षि च्यवन का शरीर है, जो यहाँ वर्षों से घोर तपस्या में रत है। वर्षों तक एक ही स्थान पर समाधिस्थ रहने और आंधी तूफान के प्रभाव से उनके शरीर पर दीमक मिट्टी जम गया है। वर्षों से मिट्टी जमने से उनका शरीर छोटा टीला सा प्रतीत होता है। उनके शरीर पर लताएं घास उग आई हैं। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुमसे बहुत बड़ा अनर्थ और पाप हो गया है। तुमने समाधि में रत इस ऋषि की आँखें फोड़ दी है। खून उनके आँखों से ही निकल रहा है। यह सुनकर सुकन्या को बहुत दुख हुआ। अनजाने में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सुकन्या अपने गलती के लिए एक बहुत बड़ा फैसला कर डाला। उन्होंने अपने पिता से कहा कि ऋषि मेरे कृत्य के कारण अंधे हुए हैं, इस कारण वह जीवन भर पत्नी बनकर उनकी सेवा करेंगी, यही मेरे लिए अपनी गलती का प्रायश्चित होगा। राजा ने कहा, तुम युवा और राजकुमारी हो, वह ऋषि हैं और उनका शरीर भी वर्षों के तप के कारण अत्यंत जर्जर व कृशकाय हो चुका है। उनके साथ तुम्हारी शादी संभव नहीं है। इस प्रकार राजा अपनी पुत्री के फैसले पर लेकिन वे अपनी फैसले पर अटिक रहीं। इस प्रकार महर्षि च्यवन ऋषि का सुकन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ। सुकन्या राजमहल छोड़कर अपने पति के साथ आश्रम में रहने लगी। वह एक पतिव्रता थी तथा जी जान से अपने वृद्ध अंधे पति ऋषि च्यवन की सेवा करने लगी। राजकुमारी सुकन्या की अद्भुत त्याग और बलिदान को देखकर देवतागण बहुत खुश हुए। उन्होंने देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार को उनकी परीक्षा हेतु भेजा। सुकन्या ने अश्वनी कुमारों की बहुत सेवा की। सुकन्या की इस आयु में इतना बड़ा त्याग और पतिव्रता धर्म देखकर अश्वनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए। वे अंधे च्यवन ऋषि को एक दिव्य सरोवर के पास ले गए और डुबकी लगाने को कहा। इस डुबकी के फलस्वरूप च्यवन ऋषि की आँखों की रोशनी वापस आ गई। साथ ही अश्वनी कुमार ने इन्हें एक दिव्य औषधि का राज बताया। महर्षि च्यवन ऋषि ने उनके बताए अनुसार जड़ी बूटियों के मिश्रण से उस दिव्य औषधि को तैयार कर उसका सेवन किया। इस औषधि के सेवन से चमत्कारिक परिणाम सामने आए। कुछ ही महीनों में च्यवन ऋषि का कायाकल्प हो गया
और वे फिर से जवान हो गए। बाद में वह औषधि उन्हीं के नाम से च्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध हुई। इधर जब राजा शयति को च्यवन ऋषि की दृष्टि वापस आने तथा फिर से जवान होने की खबर मिली तब वे बहुत प्रसन्न हुए। इस खुशी में राजा ने च्यवन ऋषि के निर्देशन में यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ पूरी विधि विधान के साथ शुरू हुआ। इस यज्ञ में सभी देवताओं सहित अश्वनी कुमारों का भी आवाहन किया गया, लेकिन देवराज इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने यज्ञ में अश्वनी कुमार की भागीदारी को लेकर आपत्ति की, लेकिन उन्होंने इंद्र की बातों को अनसुना कर दिया। च्यवन ऋषि के इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने ऋषि पर ही वज्र से प्रहार कर दिया, लेकिन ऋषि ने तपोबल के तेज से इंद्र के वज्र को रोक दिया। अंतोत्तवा इंद्र ने इस प्रतापी ऋषि की बात माननी पड़ी। च्यवन ऋषि आश्रम के बारे में कहा जाता है कि च्यवन ऋषि का मुख्य आश्रम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के पास स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इनका आश्रम यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ अभी भी एक कुंड काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उस कुंड में स्नान करने से कई तरह की बीमारी दूर हो जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।